तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको थियरी आई हो कि आपको आता होगा, बेसिक पढ़े होंगे, नहीं तो फिर मैं इसमें बता ही देता हूँ। कहता है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी निगेटिव फॉर, देखो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी निगेटिव किसके लिए होती है, अगर तुम इसमें बात करोगे तो जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है पॉजिटिव होती है। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव होती है, और निगेटिव होती है फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल, निगेटिव फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए निगेटिव होती है, तो निगेटिव बाय डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे, थ्योरी बेस से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू।